इस साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शेयर्स के भाव में हेराफेरी करने के लिए विदेशी कंपनियों की मदद लेने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में भारी बिकवाली भी दर्ज की गई। गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें शेयर्स के भाव में जानबूझकर उतार चढ़ाव करने के आरोप हैं। लेकिन इस बार शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी पर ही आरोप लगाया गया है। दरअसल गौतम अडानी को राहत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में सेबी पर आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गौतम अडानी ग्रुप की जांच के मामले में कई तथ्यों को छुपाया है। इसके साथ ही गौतम अडानी ग्रुप को राहत देने के लिए लिस्टिंग रूल्स में भी बदलाव किया गया है। इसे गौतम अडानी ग्रुप को लेकर शेयर मार्केट में लिस्टिंग के नियमों में राहत मिली और शेयर्स के भाव में उतार चढ़ाव को पकड़ा नहीं जा सका। पिटिशनर्स ने कहा कि सेबी के एक सदस्य के अडानी ग्रुप के साथ पारिवारिक संबंध है। पिटिशनर अनामिका जयसवाल ने हलफनामे में कहा कि अडानी ग्रुप की जाँच करने में सेबी के क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक कर्मचारी सिरिल श्रॉफ की बेटी की शादी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे करण अडानी से हुई है। सिरिल श्रॉफ एक कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में मैनेजिंग पार्टनर है और वे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी कमेटी के मेंबर भी हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अपराधों से निपटती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आई जानकारी की विस्तृत जांच की जाए। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में अनामिका जयसवाल ने कहा है कि शेयर मार्केट के नियामक सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जाँच में सही तथ्य नहीं रखे है। हलफनामे में कहा गया है कि सेबी न केवल इस मामले पर सोया रहा बल्कि उसने अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 15 सितंबर को सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा पिटिशनर्स ने ये भी तर्क दिया कि करीब 10 साल पहले डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अडानी ग्रुप की जांच की थी। अडानी ग्रुप पर आरोप लगा था कि विदेश से उपकरणों के इंपोर्ट के मामले में उसकी वैल्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने यूएई की एक सहयोगी कंपनी से कई मशीन खरीदी थी जिसके भाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप लगे थे और डीआरआई इसकी जांच कर रहा था। जनवरी 2014 में ही डीआरआई ने सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा को एक लेटर लिखकर कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन कर सकती हैं। जयसवाल ने अपने एफिडेविट में यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक सीडी भी जमा की गई है जिसमें 2323 करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी के सबूत हैं। अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप के इस मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है। इस बार कटघरे में खड़ा है सेबी। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।